एसएसपी दफ्तर के सामने सानू धरना देना पै रहा क्योंकि साडा अकाली दल का उस इलाके का थम सरदार दलबीर सिंह ढिलवां का पिछले दिन कतल हो गया सीगा। अज 8 दिन बीत गए ने लेकिन पुलिस वालों इस केस की गुत्थी सुलझाउण की बजाए नवीं ही कहानियां बनाईया जा रही ने। अज असी एसएसपी साहब के दफ्तर के अगे धरना देने वास्ते आए हैं कि उस परिवार का एक जी गया है, एक कतल होया है लेकिन पुलिस नू बिल्कुल भी उन्होंने जोन ही सरकरी सियासी शह के उत्ते कतल होया है, पुलिस के उत्ते सियासी दबाव है, वो तां करके वो बंदियां नू फड़ नहीं रही। मैं इहो ही मंग करांगा एसएसपी साहब, पहले नंबर ते हैरानगी आउंदी है कि इन्होंने सिट बनाई है जी, एक सिट दे विच वो अफसर लगाए गए ने जिहड़े पहलों ही इहनू डील कर रहे सीगे, जां तां सिट जे बनाउणी सीगी ते कोई हाई लैवल दा अफसर लाउंदे, कोई आई जी लाउंदे, एडीजीपी लाउंदे, क्योंकि ये एक छोटा कतल नहीं गा, ये अकाली दल का वर्कर जिहड़ा उस इलाके का थम सीगा उन्हूं एलीमीनेट करके ते होरां दे उत्ते दहशत पाउण दा माहौल क्रिएट किया जा रहा सीगा। असी इहो ही मंग करांगे एसएसपी साहब भी आके इत्थे गल करके जाण, पब्लिक बंदे फड़ने होण, पुलिस चाहे तो इलाके दे विच कोई चप्पल चोरी नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस के सामने एड्डा वड्डा कतल होया है वो क्यों नहीं फड़ रहे, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के इशारे के उत्ते कतल होया है, जग्गू भगवानपुरीए के बंदिया ने कतल किया है, लेकिन ये बोलन लई तैयार नहीं है। एसएसपी साहब मैं यही मंग करांगा कि उस परिवार को इंसाफ दो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 उस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ने अड़दे ने जिहड़े पार्टी दे बन ने उन्हां दे उत्ते तुसीं कोई ना कोई ऐसा हमला करो, उन्हां नूं ऐसा दुखी करो, उन्हां दे कतल करो, उन्हां नूं सट्टा लाओ तां कि बाकी वर्कर जिहड़े ने डिमोरलाइज हो जाण। पर मैं एक गल दसना चाहुंदा, इन्हां ने सानूं तकड़िया कर दिता और ये गल दे नाल कदी दबाया, इहदा श्रोमणी अकाली दल दा वर्कर आ दबदा नहीं गा, इहदा नतीजा जिहड़ा उन्हां नूं बड़ा खतरनाक भुगतना पऊगा, इहदे बड़े माड़े रिजल्ट निकलणगे, इन्हां दी बहुत बुरी हालत होवेगी जिस तरीके दे नाल इन्हां ने ये सारे जिहड़े प्रोग्राम ने इस वेले करने शुरू किए ने। कभी इस तरह जंगल का राज नहीं वेख्या कि आप दिन दिहाड़े बंदियां दे कतल हो जाते, मुके उन्होंने किसी को पूछा ना जाए, किसी ना गल ना की जाए, किसी के घरदियां नूं छेड़िया तक ना जाए।